मेरे मित्रों, प्रिय दर्शकों, दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? और मैं भी कामना करती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी हो, निरोग हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को आइए लेकर चलती हूँ सपनों की खूबसूरत दुनिया की सैर कराने। दोस्तों, इस दुनिया की सैर तो आप लोग कभी ना कभी तो करते ही हैं, लेकिन दोस्तों, हर चीज़ का तो मतलब है। ईश्वर की सृष्टि में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में जो भी विचार आते हैं, वो भी परमात्मा की देन है। तो दोस्तों, ईश्वर ने जो कुछ बनाया है, उन सबका अर्थ है, मतलब है। तो सपने भी इसीलिए आते हैं क्योंकि कल क्या कुछ होने वाला है, इसको आप आसानी से समझ पाए, जान पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आइए आपको लेकर के चलती हूँ और बताती हूँ, अगर सपने में आपने कांच को टूटते हुए, गिरते हुए, फूटते हुए देखा है, तो उसका क्या शुभ परिणाम हो सकता है। दोस्तों, वैसे जागृत अवस्था में यदि कांच टूट जाए तो कहा जाता है कि अशुभ माना जाता है। आपके हाथ से अगर कभी कांच का कोई बर्तन, कोई पात्र अगर टूट कर बिखर जाए, गिर जाए, शीशा है, दर्पण है, तो दोस्तों, आपको मंदिर में जाकर एक दिया जलाना चाहिए और दीन दुखियों को कुछ दान करना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जिससे वो जो भी होने वाला कुछ बुरा है वो मिट जाता है। दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं मनमुटाव आपके बीच पैदा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर सपने में आपने कांच को टूटते हुए देखा तो भी अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये आपके संबंधों में खटास ला सकता है, आपको अशुभ समाचार दे सकता है, कहीं ना कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप दुखी हो सकते हैं किसी बात को लेकर के। तो दोस्तों, आप सभी को पेशेंस बनाए रखने की आवश्यकता है अगर आपने सपने में कांच को टूटते हुए देखा है। तो दोस्तों, और ये था सपने में कांच को टूटते बिखरते हुए देखने का शुभाशुभ परिणाम। लेकिन दोस्तों, आप सभी से यूं ही मिलती रहूंगी। बस अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब कर लिए, जिससे हर जानकारी आप तक आसानी से हम पहुँचा पाए। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।